वो है हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर और कल हमने पढ़ा था एनॉलॉगी एनॉलॉगी काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और एनालॉगी दो ऐसे हमारे चैप्टर हैं जो कि आपको समझने है खुद है क्योंकि उसमें कुछ भी आपका अलग आ सकता है एनॉलॉगी में क्या होता था रिलेट करते थे क्लासीफिकेशन में हमें यह बताना होता है कि कौन सा अलग होगा हमें कोई भी चार ऑप्शन दे, दे देंगे चार पॉइंट दे देंगे वर्ड एनॉलॉगी के दे दिए नंबर एनॉलॉगी के दे दिए लेटर एनॉलॉगी दे दिए तो हमसे यह पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अलग क्या होगा तो आपको फाइंड करना है वो आपको कैसे फाइंड करना है उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम अपनी क्लास में करेंगे ठीक है so, सो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा है टू ऑल ऑफ यू लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है शेयर करना है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक करना है सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लेकिन शेयर करना नहीं भूलना है लाइक करना नहीं भूलना है क्योंकि भाई एफर्ट लगाए जा रहे हैं दशहरा के लिए आपके लिए वीडियोज लाई हैं भाई शेयर तो बनता है चलिए भाई पीपीटी लगा दिए जाए फेस्टिव ऑफर चल रहा है आपको पता है द बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल 40 परसेंट ऑफ है ऑल प्रोडक्ट्स पे अंडर 24/7 सेवन सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 करोड़ स्टूडेंट को इस फेस्टिव मंथ में है आपके लिए वर्थ है थर्टी लैक्स का तो बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपको प्राइस ज़रूर मिलेगा कुछ भी मिल सकता है आईफोन मिल सकता है कुछ भी मिल सकता है भाई आ गया भाई आईफोन मिल सकता है लैपटॉप मिल सकता है फुल ईयर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का स्टडी मटेरियल सब्सक्रिप्शन मिल सकता है तो भाई आराम से मिस नहीं करना है चांस बम्पर प्राइजेस है ठीक है नेक्स्ट ये आपको वीकली रेडमी नोट एस सेवन एस जरूर मिल सकता है एवरी वन स्पेंस एवरी वन विज यदि आप कभी भी स्पिन करोगे और तो आप कुछ ना कुछ जरूर जीतोगे और ये हमारी कुछ लिस्ट है जिन्होंने इनाम जीते हैं मोनिका गुप्ता पियूषी सिंह पीयूष सिंह यश बेहगल विक्रम चौधरी मंजीत गुप्ता प्रिंस नितिल सुंदर रामानंद एंड रविशंकर हंड्रेड परसेंट कैश पे फिफ्टी परसेंट कूपन फिफ्टी परसेंट कूपन रुपीज का गाना वाउचर और हंड्रेड कूपन रुपीज हंड्रेड कूपन का इन सब ने क्या किया है कुछ ना कुछ गिफ्ट को लिया है अब आते हैं क्वेश्चंस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं लाइक करना नहीं भूलना है क्वेश्चन के यदि मैं बारे में बात करूं तो आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा होगा फटाफट से कमेंट कीजिए कि इनमें से अलग क्या होगा ए बी सी या डी ऑप्शन में से चारों में से अलग क्या होगा ठीक है फटाफट से 84, 67, 112, 95, 79, 63, 167, 150. देखिए यदि मैं बात करूं एटी फोर और सिक्सटी सेवन में डिफरेंस कितने का है बताइए जो डिफरेंस है वो है हमारे कितने का तेईस का है या नहीं बिल्कुल है एक सौ बारह और नाइन्टी फाइव में जो डिफरेंस है वो कितने का है एक सौ बारह और नाइन्टी फाइव में डिफरेंस देखो ठीक है सॉरी एटी फोर और सिक्सटी सेवन में जो डिफरेंस है वो हमारा ट्वेंटी थ्री का नहीं है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तो 84 और 67, सेवन चौदह में से सात गए सात ठीक है देन उसके बाद कितना आया सात में से छः गए एक तो कितना आ गया सत्रह सत्रह का डिफरेंस 112 और 95 में से 12 में से पाँच गए 12 में से पाँच गए सात 10 में से नौ गए एक तो कितना आया सत्रह का डिफरेंस 79 और 63 में जो डिफरेंस है वो कितने का है नौ में से तीन गए छः सात में से छः गए एक तो 16 का डिफरेंस, 150 और 167 में जो डिफरेंस है Osionfish. वो भी हमारा क्या है सत्रह का डिफरेंस है देखिए जो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा इनमें से बिल्कुल अलग होगा क्योंकि इसमें भी सत्रह का डिफरेंस इसमें भी सत्रह का डिफरेंस इसमें भी सत्रह का डिफरेंस लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है हमारा सोलह का है तो बच्चा जो इसमें अलग होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन इनमें से अलग होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कि अलग कौन सा होगा फटाफट से बताइए इन क्वेश्चंस में से अलग हमारा कौन सा नंबर होगा बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो भाई कैसे होगा बताओ भाई ए बी सी या डी ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा देखो जो 9 है वो चौदह से डिविजिबल है जो चौदह है वो 9 से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है सत्रह है क्या वो आठ से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है इक्कीस है वो छः से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है एक हमारा जो सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो बयालीस है वो तीन से बिल्कुल कम्प्लीटली डिविजिबल है फोर्टीन से फोर्टीन इंटू में थ्री क्या होता है फोर्टी टू जो जो इसमें अलग होगा वो क्या होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन को यदि मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इनमें से अलग आप कहोगे कि मैम 54 और सिक्स ही ऑप्शन तो मैं लोगों की यही डिमांड आने वाली है लेकिन ये नहीं होगा देखो नाइन इंटू में नाइन एट्टी वन सिक्स इंटू में नाइन फिफ्टी फोर थ्री इंटू में नाइन ट्वेंटी सेवन लेकिन आठ को यदि मैं नौ से इंटू करूं तो वो आना चाहिए था मेरा बहत्तर लेकिन क्या आ रहा है मेरा सिक्सटी फोर आ रहा है तो बच्चा जो इसमें अलग होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन इन सब से बिल्कुल अलग होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो अलग होगा वो कौन सा हमारा आंसर होगा ठीक है फटाफट से कमेंट कीजिए हाँ, करें क्वेश्चन पे आए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम देखो 52 142 एंड 52 को यदि मैं ध्यान से देखूं डिविजिबल है किसी ना किसी से डिविजिबल है या नहीं है देखो 142 एंड 52 ठीक है यदि मैं इन दोनों क्वेश्चन की बात करूं तो देखो बिल्कुल भी हमारा जो 52 टू है वो फिफ्टी टू से डिविजिबल नहीं है क्योंकि बावन में सिर्फ क्या आता है छः दूनी बारह छः पंजे कितना आएगा छः पंजे तीस और एक इकतीस तीन सौ बारह आना चाहिए था और कोई ऑप्शन होगा नहीं तो वन फोर्टी टू नहीं होगा हमारा क्या वन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी फिफ्टी फोर क्या वन ट्वेंटी सिक्स से पूरा डिविजिबल है नहीं है भाई नहीं करेगा डिविजिबल वन ट्वेंटी सिक्स है वो हमारा डिविजिबल नहीं होगा फिफ्टी फोर से 184 क्या हमारा 58 से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है लेकिन जो हमारा 56 है वो क्या है 168 से बिल्कुल डिविजिबल है कैसे है भाई 3 से 56 में 3 कितना आता है 168 होता है तो बच्चा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा 56 एंड 168 ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है ऑड वन आउट क्या होगा ट्वेंटी थ्री फोर्टीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन एटी टू एंड वन एट फोर फाइव बताइए इनमें से हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा इन चार ऑप्शन में से अलग बताना है फटाफट से बताइए क्या होगा आसान क्वेश्चन है भी देख के बता दोगे इस क्वेश्चन को देखिए यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं लास्ट से स्टार्ट कर दें वन प्लस एट नाइन फोर प्लस फाइव नाइन, थ्री प्लस टू फाइव वन प्लस फोर फाइव ठीक है मतलब पहले वाले नंबर्स को ऐड करके क्या मिल रहा है हमें सेकेंड नंबर वाले ऐड को कर मिल रहा है इक्वल हो रहा है थ्री प्लस सिक्स नाइन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस टू इलेवन एट प्लस टू कितना है एट प्लस टू होता है हमारा टेन तो ट्वेंटी नाइन और एटी टू एक ऐसा पेयर है जो इन सबसे अलग है क्योंकि इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है मुझे इलेवन और एट प्लस टू को ऐड करके मिल रहा है मुझे टेन जबकि हमें इक्वल टू आना कंपल्सरी था तो इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से बताइए ट्वेंटी फाइव नब्बे सॉरी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी वन ट्वेंटी वन इलेवन सेवनटीन टू एट नाइन एंड टू टू फाइव क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है फटाफट फड़ से आंसर बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा ठीक है देखिए यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन क्या है आपको पता है स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है देखिए ये क्या है ठीक है देखिए ये क्या है हमारा पच्चीस वन स्क्र है किसका एलेवन का ये क्या है सेवनटीन स्क्वेयर है हमारा किसका टू एट्टी नाइन का जो ये स्क्वेयर है फिफ्टीन है वो किसका स्क्वायर है दो सौ पच्चीस का लेकिन एक हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो पच्चीस है वो हमारा से किसका स्क्ोर होना चाहिए था 625 का स्क्ोर होना चाहिए था जबकि क्या दे रखा हमें 50 दे रखा है तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से अलग क्या होगा तो फटाफट से कमेंट कीजिए मैम इनमें से आंसर जो होगा वो ये होगा आसानी से बता सकते हो भाई इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए देखो 37 सेवन इंटू में टू सेवनटी ठीक है यही है ना 37 सेवन इंटू मे टू कितना ट्वेंटी में टू कितना होता है 52 44 इंटू में टू कितना होता है 88 लेकिन 47 और 84 एक हमारा ऐसा पेयर है यदि मैं 47 को इंटू करूं टू से तो कितना आना चाहिए था 94 आना चाहिए था लेकिन क्या आ रहा है 84 आ रहा है तो बच्चा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर होगा जो ऑड वन आउट होगा वो इन सब से बिल्कुल अलग होगा हमारे सी ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इनमें से अलग क्या होगा और अब फटाफट से बताइए इनमें से अलग क्या होगा इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड सैलरी शेयर इंश्योरेंस मतलब क्या होता है बीमा प्रोविडेंट फंड क्या होता है हमारा भविष्य निधि सैलरी मतलब होता है हमारा वेतन और शेयर मतलब होता है हमारा शेयर तो बताइए क्वेश्चन में से जो हमारा अलग होगा वो क्या आंसर होगा ठीक है कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन से हटाइए ठीक है देखिए स्क्रीन से हमें हटाना था ठीक है यदि क्वेश्चन हमारा इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड एंड सैलरी एंड शेयर के यदि हम बारे में बात करें तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्या आएगा सैलरी आएगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड और शेयर क्या होता है हमारी एक तरफ से एक निषेध की गई राशि होती है शेयर क्या होता है हमने इन्वेस्ट कर दिया प्रोविडेंट फंड क्या होता है हमने इन्वेस्ट कर दिया इंश्योरेंस क्या होता है भविष्य के लिए होता है प्रोविडेंट फंड हमारे भविष्य के लिए होता है शेयर जो होता है वो भी हमारे भविष्य के लिए होता है लेकिन जो सैलरी होती है वो क्या होती है हमारी हर मंथ हमें जरूर दी जाती है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सैलरी बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है यदि आपको ना। इस है ना। हाँ जी ठीक है यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो हियरिंग शार्क बाराकूडा एंड वेहेल ये क्या होते हैं हमारे कुछ ना कुछ क्या होते हैं मीनिंग अब जानोगे आपकी मैम इन सब के मीनिंग बताओ वेहेल मतलब तो वहेल होता है ठीक है अंग्रेजी वाले सुन लो बाराकुडा ठीक है शार्क मतलब भी आपको पता है शार्क मतलब भी आपको पता है ठीक है जो हेरिंग मतलब होता है वो होता है हमारा हेयरिंग ठीक है इसे क्या कहते हैं हम हिलसा कहते हैं क्या कहते हैं हम हिलसा कहते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नाइन्थ क्वेश्चन में जो अलग होगा वो हमारा कौन सा होगा बताइए फटाफट से नाइन्थ क्वेश्चन में जो अलग होगा वो क्या होगा देखिए जो व्हील है वो क्या होता है हमारा मैमल होते हैं क्या होता है जो मेल है वो हमारा क्या होता है मैमल होते हैं लेकिन बाकी के जो तीनों हैं वो क्या होते हैं हमारे अंडे देते हैं लेकिन जो मेल है जो मैम वहल है वो हमारा मैमल है स्तन पाई है वो हमारे अंडे नहीं देते बाकी के जो तीनों हैं वो हमारे अंडे देते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मैं बात करूँ तो माइक्रो माइक्रोफिल्म माइक्रोफोन और माइक्रोस्कोप में बताइए इनमें से हमारा क्या अलग होगा देखिए माइक्रो मतलब होता है हमारा रोगाणु ठीक है माइक्रो फिल्म का जो मतलब होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म क्या होता है सूक्ष्म फिल्म ठीक है माइक्रोफोन आप सबको पता है माइक्रोफोन का मतलब होता है हमारा माइक्रोफोन हिंदी में ऐसे लिखते हैं माइक्रोस्कोप क्या है? होता है हमारा सूक्ष्म दर्शी क्या होता है सूक्ष्मदर्शी ठीक है बताइए रोगाणु सूक्ष्म माइक्रोफोन सूक्ष्मदर्शी दर्शी में से हमारा अलग क्या होगा टेंथ क्वेश्चन का आंसर बताना है तो टेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए रोगाणु देखिए माइक्रोफिल्म माइक्रोफोन और माइक्रोस्कोप क्या है हमारे माइक्रोब से बिल्कुल अलग है क्योंकि माइक्रोब का मतलब होता है हमारा रोगाणु और बी सी और डी क्या है हमारा सूक्ष्मदर्शी या हमारा माइक्रोफोन या सूक्ष्म फिल्म है ठीक है लेकिन जो रोगाणु है वो इन सब से क्या है हमारे ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं ये हमारे क्या होते हैं उपयोगी वस्तु होते हैं माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं जूम करके माइक्रोफोन भी क्या होता है अलग होता है माइक्रोफिल भी क्या होता है सूक्ष्म जो है वो इन सबसे अलग होता है तो माइक्रोब क्या होगा बिल्कुल राइट right आंसर आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिक न्यूरोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट ठीक है एक बार हटाइए ठीक है जो सोशोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो कहते हैं समाज ठीक है सामाजिक या कह सकते हैं समाज शास्त्री ठीक है और इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है हमारा अर्थशास्त्री ठीक है जो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो होता है हमारा तंत्री का विज्ञान ठीक है एजुकेशिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है हमारा शिक्षा शास्त्री क्या होता है शिक्षा शास्त्री यही होता है अब इनमें से आपको ये बताना है इनमें से जो होगा वो क्या होगा इनमें से अलग क्या होगा सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स एजुश एजुकेशनिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट देखिए जो इनमें से अलग होगा वो होगा हमारा क्या न्यूरोलॉजिस्ट क्यों होगा क्योंकि सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स और जो एजुकेश एजुकेशनिस्ट है ये हमारी क्या है सामाजिक विज्ञान की क्या है सामाजिक विज्ञान की ब्रांचेस है लेकिन जो हमारी न्यूरोलॉजिस्ट है वो हमारे साइंस ब्रांच से क्या करती है रिलेट करती है साइंस ब्रांच से वो क्या करती है हमारी रिलेट करती है न्यूरोलॉजिस्ट तो जो इसमें से अलग होगा वो होगा हमारा तंत्रिका विज्ञान बिल्कुल अलग होगा ठीक है चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन है स्वीट बिटल सॉल्टी और इन यदि मैं स्वीट की बात करूँ तो स्वीट मतलब होता है हमारा मीठा ठीक है यदि मैं बिटर की बात करूं तो बिटर का मतलब होता है हमारा कड़वा सॉल्टी का मतलब क्या होता है सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन और इनसीपिट का मतलब होता है हमारा स्वाधीन क्या होता है स्वाधीन तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा अलग होगा बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए मीठा कड़वा या नमकीन क्या है किसी ना किसी का हमारा क्या बताते हैं स्वाद बताते हैं हमारा मीठा कड़वा और नमकीन स्वीट बिटर और सोल्टी हमारा क्या बताते हैं कुछ ना कुछ स्वाद बताते हैं लेकिन जो इंसिपिट होता है वो क्या होता है हमारा स्वादहीन होता है उसमें कोई भी हमारा स्वाद नहीं होता तो इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा और हमारा इंसिपिट होगा स्वादहीन होगा ठीक है चलिए यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ लाइन गॉड टॉर एंड सेंटोर बताइए इसका आंसर क्या होगा <गण> देखिए लाइन शेर गोट बकरी टॉटर इसका सेंटर क्या होता है जिसका शरीर आधा किसका होता है इंसान का होता है आधा घोड़े का होता है याद है वो कौन सी मूवी है नारनिया नारनिया में दिखाया था ना वैसी होता है हमारा ये ठीक है जिसका आधा शरीर क्या होता है हॉर्स का होता है इंसान का होता है और आधा शरीर क्या होता है हमारा घोड़े का होता है पैर होंगे उसके घोड़े के होंगे और जो शरीर होगा वो क्या होगा इंसान का होगा नारणिया मूवी देखी होगी तो इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा सेंटो को हम किन्नर भी कहते हैं क्या कहते हैं किन्नर भी कहते हैं ठीक है ध्यान इस चीज का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से बताइए रिंग टायर प्लेट एंड बेंगल में से हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा फोर्टीन का आंसर बताना है फोर्टीन का आंसर बताइए क्या होगा अंगूठी टायर प्लेट एंड थाली या चूड़ी <laughs> देखिए अंगूठी भी क्या होती है हमारी गोल होती है टायर भी क्या होता है हमारा गोल होता है जो प्लेट होती है वो गोल होती है वो तो ऐसी सी होती है ना जीप सी ऐसे से कुछ को बनती है और जो चूड़ी होती है जो कड़ा होता है वो भी गोल होता है जो प्लेट होगा वो क्या होगा इन सब से बिल्कुल अलग होगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा आईज इयर्स इयर्स है ये इयर्स थ्रोट एंड स्किन इनमें से हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा आंखें कान गला एंड त्वचा में से क्या होगा बताइए क्या होगा अलग ठीक है देखिए जो इनमें से अलग होगा वो क्या होगा हमारा गला होगा वो क्यों होगा क्योंकि आइस ईयर्स और स्किन क्या है हमारे फाइव सेंसेस हैं क्या है फाइव सेंसेस में से आते हैं तो हमारा जो इनमें से अलग होगा वो होगा हमारा थोड़ा थो छ फाइव सेंसेस बताइए क्या होते हैं ईयर्स आइस नोज टंग एंड स्किन क्या होता है ये हमारे फाइव सेंसेस होते हैं ठीक है तो इसमें जो अलग होगा वो क्या होगा हमारा थ्रोट जो होगा वो क्या होगा गला बिल्कुल राइट होगा ठीक है चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड डेफ एंड ईडियड अंधा गूंगा बहरा और माँ मूर्ख में से हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा बताइए बहुत तो आसान है भाई आ जाना चाहिए जो अलग होगा वो क्या होगा इडियट होगा वो क्यों होगा ब्लाइंड और ब्लाइंडल क्या होता है, है दोष होता है कमी होती है ब्लाइंड आंखों से से होना is, जवान से होना इज जवान इस कान से होना जो इडियट होता है वो क्या है महामूर्ख है भाई वो कोई हमारा फिजिकल दोष का कोई कारण कोई ना है शारीरिक दोष का कारण कोई ना है तो महामूर्ख क्या होगा बिल्कुल राइट right आंसर होगा पोटैटो टोमेटो कॉलीफ्लावर फ्लावर ब्रिंजल आलू टमाटर फूल गोभी और बैगन में से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बताइए फटाफट से कि इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा टमाटर फूलगोभी और जो बैगन होता है वो हमारे जमीन के ऊपर उगाए जाते हैं जो आलू होता है वो जमीन पे हमारा उगाया जाता है तो इसका आंसर होगा हमारा पोटैटो बिल्कुल राइट right आंसर आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ बिच किटन का बछड़ा कुतिया बिल्ली का बच्चा एसिंह शावक इन चारों में से जो हमारा अलग होगा वो हमारा क्या होगा देखिए काफ बछड़ा गाय के बछड़ों को कह लो किटन बिल्ली के बछड़े बच्चड़, बछड़ों को कहते हैं कब सिंह के बच्चे बच्चे उसको कहते हैं बच्चों को कहते हैं तो जो बिच होगा वो क्या होता है वाइफ होती है किसकी डॉग की वाइफ होती है हमारी बिच इसे किसी भी बच्चे का नाम नहीं होता बिच किसी भी जानवर के बच्चों को बिच नहीं बुलाया जाता ठीक है पप्पी बुलाया जाता है क्या बुलाया जाता है कुत्ते के बच्चों को पप्पी ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा सेव स्पेल स्पेंड स्क्वेंडर बचाना छलकाना, खर्च करना अपवे करना इन चारों में से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा देखिए स्पेंड और स्क्वेंडर ये क्या है हमारे ये ती तीनों मनी को दिखाते हैं कि मनी को सेव किया खर्च कर दिया या बेकार कर दियो उसको मतलब बेकार कर दिया स्क्वेंडर कर दिया मतलब बेफालतू में खर्चे में लगा दिया जो स्पील होता है वो होता है छलकाना जैसे पानी छलक गया वो मनी को नहीं दर्शा रहा है तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा 19 के बी ऑप्शन पे आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है पायलट पैसेंजर ड्राइवर सेलर पायलट यात्री ड्राइवर और नाविक में से जो हमारा अलग होगा वो हमारा कौन सा अलग होगा फटाफट से बताइए पायलट पैसेंजर इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा <laughs> देखिए पायलट पैसेंजर ड्राइवर या सेलर में से यदि मैं बात करूं ड्राइवर बस या किसी को चला रहा हो नाव एक जो नाव को चला रहा हो पायलट जो हमारा हवाई जहाज चला रहा हो यात्री क्या है इन सब से बिल्कुल अलग है तो पैसेंजर क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है यदि मैं ट्वेंटी वन क्वेश्चन की बात करूं ए लार्ज एक्सपेंड इंक्रीज यूनाइट ए लार्ज एक्सपेंड इंक्रीज यूनाइट में से हमारा अलग क्या होगा परिवर्तन करना विस्तार करना वृद्धि करना या जोड़ना इनमें से हमारा क्या होगा बताइए देखिए एन लार्ज बड़ा करना एक्सपेंड बड़ा करना इंक्रीज बड़ा करना यूनाइट क्या है जोड़ना है भाई जोड़ना क्या है इन सब से बिल्कुल अलग है यूनाइट करना क्या है इन सब से बिल्कुल अलग है जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा यूनाइट बिल्कुल राइट आंसर आएगा 22 का बताइए शनि शुक्र सूर्य बृहस्पति आसानी से आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है बताएं जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा सूर्य होगा बाकी के सारे क्या है? हमारे प्लेनेट है लेकिन जो सूर्य है वो क्या है हमारा स्टार है जो सूर्य है वो क्या हमारा स्टार है जो बाकी के सारे प्लेनेट है तो सूर्य है क्या होगा इन सबसे अलग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सुलगाना शय शरणा या अपघटित होना बताइए इनमें से अलग कौन सा होगा देखिए डीके प्यूट्रीफाई या डी कम्पोज ये क्या है तीनों के तीनों एक जैसे है होना मतलब एक खत्म हो जाना शे हो जाना सड़ना इज घटित हो जाना है? ये क्या है तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे केम से जो स्मेलर है जो, जो सुलगाना है वो क्या है हमारे फायर से रिलेटेड है किससे फायर से रिलेटेड है आग से रिलेटेड है तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या सुलगाना, मतलब सुलगाना क्या होगा बिल्कुल अलग होगा तो 23 का जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा ट्रॉफी मेडल सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट बताइए इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा बिल्कुल अलग होगा देखिए ट्रॉफी पदक या सर्टिफिकेट ये तीनों किसको दिया जाता है विजेता को दिया जाता है किसको दिया जाता है विनर्स को दिया जाता है किसको दिया जाता है विनर्स को दिया जाता है जबकि जो उपहार होता है वो तो भी गिफ्ट है चाहे तुम अपने माँ बाप को दे दो चाहे तुम एक्स वाई को दे दो ठीक है या तो तुम अपनी फ्रेंड को दे दो या अपने दोस्त को दे दो ठीक है उपहार किसी को भी दिया जा सकता है वो हमारे विनर या विजेता को नहीं दिया जाता ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माइल सेंटीमीटर लीटर और यार्ड का बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए मील सेंटीमीटर और जो गज है वो क्या होता है इन सबसे अलग है जो लीटर है वो हमारा काम आता है वॉल्यूम के लिए आयतन नापने के लिए किया जाता है मील मीटर और सेंटीमीटर और गज है वो क्या होता है वो किसके लिए काम आता है वो जो काम आता है वो आता है हमारे लंबाई के लिए किसके लिए लेंथ के लिए काम आता है मेजर करने के लिए तो जो यूज आएगा वो लीटर क्या होगा इन सबसे बिल्कुल अलग आएगा बैंकॉक यांगन जेधा काबुल बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा बैंकॉन्ग यांगन रंगून ठीक है रंगून कहते हैं जेधा काबुल इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा देखिए काबुल एंडकॉन्ग ये क्या है बैंकॉक ये क्या है? हमारी राजधानी है कैपिटल्स हैं जो जेदा है वो इन सब से अलग है तो जो जेदा आएगा वो बिल्कुल अलग होगा इसका राइट आंसर होगा हमारा जेदा हैप्पीनेस ट्रूथ प्रसन्नता ईमानदारी धोखा देना सत्य इन सब में से जो अलग होगा वो क्या होगा और इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर बता सकते मैम से ये अलग होगा हैप्पीनेस ऑनेस्टी यात्रु ये क्या हमारे एक अच्छे विचारों को व्यक्त करते हैं सदगुण को व्यक्त करते हैं जो धोखा देना होता है वो हमारी क्या बात करते हैं गलत चीजों की बुरी आदतों के बारे में बात करते हैं तो रिसीव क्या होगा बिल्कुल राइट right आंसर आएगा बताइए इसका आंसर क्या आएगा इसमें से आपको बताना है अलग क्या होगा गार्डन गार्डनर सॉन्ग सिंगर आर्ट आर्टिस्ट डांस सिंगर इनमें से जो होगा वो अलग क्या होगा एक बार हटाइए भाई कंप्यूटर जी कंप्यूटर जी कहाँ चले गए एक बार स्क्रीन से हटा दीजिए भाई हाँ जी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा देखो गाना गायक मतलब गाना है तो गायक कला कलाकार नृत्य नृत्य ये तो कुछ है नृत्य नृत्य सिंगर है भाई डांस इज इस सिंगर इसने लिखा है डांस तो यहां पे आएगा बच्चा डांसर आएगा क्या आएगा डांसर आएगा ठीक है क्योंकि हिंदी में दे रखा है नृत्य तो यहाँ पे आने का आने क्या चाहिए था डांसर आना चाहिए था ठीक है यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा देखिए गाना कौन गाएगा गायक ठीक है कला कौन करेगा कलाकार आर्ट कौन करेगा आर्टिस्ट बनाएगा आर्टिस्ट क्या बनाएगा आर्ट बनाएगा जो नृतक होगा जो मतलब डांस होगा वो कौन करेगा डांसर करेगा ठीक है लेकिन बाग में काम करने वालों को क्या कहा जाता है माली कहा जाता है तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा और बाकी के सारे के सारे क्या है हमारे जो कलाकार को दर्शा रहे विभिन्न रूप से हमारे कलाकार को दर्शा रहे हैं तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लॉन्ग शॉर्ट ब्लैक व्हाइट हेड कैप कैप फ्रेंड एंड फॉय देखिए लंबा छोटा काला सफेद सिर टॉपी मित्र शत्रु बताइए इस आंसर क्या होगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए जो आंसर आएगा वो क्या होगा लंबा छोटा ब्लैक व्हाइट क्या होता है इन सबसे अलग है क्यों अलग है वो इसलिए हमारा अलग माना जाता है क्योंकि ये क्या है अपोजिट है लंबा छोटा काला सफेद मित्र शत्रु जो सिर टॉपी है इनका कोई रिलेशन नहीं है सिर के ऊपर टॉपी पहनी जाती है और बाकी के सारे क्या है एंटोनियम से एक दूसरे के तो सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा अब आपको इसमें से ये बताना है इनमें से अलग क्या होगा तो फटाफट से आंसर बताइए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इनमें से जो होगा वो क्या अलग होगा ठीक है देखिए E से D जा रहा है माइनस वन एल से K जा रहा है माइनस वन यू से V जा रहा है तो बच्चा इसमें तो प्लस वन हो रहा है और Q से P जा रहा है तो क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है तो बच्चा तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमें आंसर क्या मिल गया C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हमारा माइनस वन हो रहा है भाई प्लस वन हो रहा है बाकी में क्या हो रहा है माइनस वन स्क्रीन पर दिखाइए स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई कंप्यूटर जी स्क्रीन पर दिखाइए भाई, स्क्रीन पर दिखाइए हमें प्लीज कृपया करके हाँ जी बताइए जेड एक्स वी टी यू एस क्यू ओ डी ई एफ जी पी एन एल जे में से इनमें से अलग क्या होगा देखिए यदि मैं जेड से एक्स के बारे में बात करूँ तो माइनस हो रहा है यू से एस के बारे में बात करूँ तो माइनस हो रहा है डी से ई e के बारे में बात करूं तो वो क्या हो रहा है हमारा बच्चा वो हो रहा है हमारा प्लस और पी से एन के बारे में बात करूं तो वो क्या हो रहा है हमारा माइनस तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा डी ई e एफ जी बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी ई एफ जी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एफ सी जी डी आई जी एल आई एन एल क्यू ओ टी आर डब्ल्यू में से हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा बताइए फटाफट से जो इनमें से अलग होगा वो क्या होगा करे क्वेश्चन देखिए ए से एफ जा रहा है तो पांच कदम बी सी डी ई एफ डी से आई जा रहा है पांच कदम आई से एन जा रहा है पांच कदम ओ से टी जा रहा है पांच कदम एफ से सी जा रहा है माइनस में हो रहा है ठीक है माइनस में कितना हो रहा है डी और ई ठीक है आई से जी जा रहा है तो माइनस में कितना हो रहा है एच एक माइनस हो रहा है और इसमें कितना दिखा दिया दो माइनस तो या तो डी आई जी एल गलत है या एफ सी जी गलत है लेकिन दोनों में से एक जरूर गलत है एन से एल जा रहा है तो माइनस में क्या आ गया एम तो सिर्फ एक ही माइनस हो रहे तो इसका मतलब क्या है ए एफ सी जी जो होगा इन सब से बिल्कुल अलग होगा तो आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बी वाई सी एक्स मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए यदि मैं डायरेक्ट देखूँ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा सी होगा क्यों होगा भाई बी के बाद जैसे बी वाई सी एक्स है तो बी के बाद क्या लिखा है सी सी एक्स डी डब्ल्यू है तो सी के बाद क्या लिखा है डी ए जेड y बी है तो क्या आना चाहिए था यहां पे आना चाहिए था हमारा बी जब भी हमारा जो सी ऑप्शन होता वो बिल्कुल राइट right होता और वाई को शिफ्ट होना था हमारा यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर आएगा यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए एच से जे के बारे में बात करूं तो प्लस टू हो रहा है वी से एक्स के बारे में बात करूं तो प्लस टू हो रहा है ओ से क्यू के बारे में बात करूं तो प्लस टू हो रहा है लेकिन मैं जेड से ए के बारे में बात कर रही हूं तो इससे प्लस वन हो रहा है तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा जेड ए सी ई e, जी जो होगा बिल्कुल अलग होगा तो थर्टी फोर का ए ऑप्शन पे आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए एम एन एक्स वाई ठीक है भाई बिल्कुल सही फॉर्म में है ए बी पी क्यू बिल्कुल सही फॉर्म में है एक्स वाई पी क्यू आर एस टी यू बिल्कुल सही फॉर्म में ई e एफ एम एन बिल्कुल सही फॉर्म में अब इनमें से अलग कैसे ढूंढोगे इनमें से, इन से जो, जो अलग है देखो इसमें जो वो वाले है वो क्या है ए इसमें जो वो वाले है वो क्या है यू इसमें जो वो वाले है वो, वो क्या है ई जो हमारा एम एन एक्स वाई है इसमें एक भी हमारा वोवल ना होने की वजह से तो इसका जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए थर्टी सिक्स का आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा ई डी जे जेड जी जे एन क्यू टी वी पी एस वी आई एन सी एफ आई के इनमें से जो होगा वो हमारा अलग कौन सा होगा ठीक है जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना स्क्रीन पे तो हमेशा उसे देखो अच्छे से देखने के बाद आप इसमें से ये देखो कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे आगे से करोगे या पीछे से करोगे ठीक है स्टार्ट कहाँ से करोगे ए से डी ठीक है भाई बी और सी एन से क्यू ठीक है भाई ओ और पी पी से एस ठीक है भाई क्यू और आर सी से एफ ठीक है भाई डी और ई e, डी से जी तो ई e और एफ को छोड़ा क्यू से टी आर एस को छोड़ा एस से वी किसको छोड़ा दो को छोड़ा भाई टी और यू को एफ से आई दो को छोड़ा बिल्कुल अब तक सही चल रहा है जी से जे जी से जेब के बारे में आई बात तो एच और आई को छोड़ा ठीक है भाई टी से वी आ रहा है तो भाई यू को छोड़ रहा है या तो हमारा ये होगा या तो हमारा ये होगा इन दोनों में से एक जरूर होगा बीस X के बारे में बात आ रही है तो W को छोड़ा है तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा A D J J क्या होगा इन सब से अलग होगा तो 36 का A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा ठीक है 37 से 41 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है नाइन फोटी फाइव छः सौ पच्चीस सेवन फोर्टी थ्री एट फोर्टी एट फिफ्टी थ्री और भाई क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि छः सौ पच्चीस क्या है स्क्वायर है किसका पच्चीस का स्क्वायर है और बाकी के हमारे कोई भी हमारा स्क्वायर नहीं आता है तो छः सौ पच्चीस क्या होगा हमारा इन सबसे अलग होगा सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा थर्टी एटीन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स जो होगा वो क्या अलग होगा देखिए जो इसमें से अलग होगा वो क्या होगा ये तीन से डिवाइड है ये भी तीन से डिवाइड है ये भी तीन से डिवाइड है जो लेकिन थर्टी सिक्स है वो हमारा तीन से डिविजिबल नहीं है ट्वेंटी सिक्स है वो हमारा तीन से डिविजिबल नहीं है तो इसमें से जो अलग होगा वो क्या होगा ट्वेंटी सिक्स होगा नाइन 16 एंड थर्टी टू एंड ट्वेंटी फाइव बहुत आसान क्वेश्चन है बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिये जो इसका आंसर होगा नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का सिक्सटीन किसका है फोर का ट्वेंटी फाइव किसका है फाइव का जो थर्टी टू होगा वो इन सबसे अलग होगा तो थर्टी टू पे आपको टिक करना और आगे बढ़ जाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि थर्टी टू हमारा किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इलेवन एट एंड फोर्टीन एंड सिक्सटी सिक्स में से बताइए इनमें से जो अलग होगा वो हमारा क्या होगा देखो इसमें आप तो अब दो दिमाग लगाने वाले हो बहुत अच्छे से एक तो क्या दिमाग लगाओगे मैडम ये दो का क्यूब है ठीक है बाकी कोई क्यूब नहीं है एक क्या दिमाग लगाओगे मैम ये तीनों की तीनों हमारे ईवन है और ये हमारा जो ग्यारह है वो हमारा ऑड है अभी तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा उसने कौन से कौन से माना है आठ को माना है या ग्यारह को माना है दो दिमाग लग रहे हैं ना इसमें ये तीनों क्या है हमारे ऑड है वो ईवन है और ये क्या हमारा ऑड है ऑड मतलब अभाज्य मतलब क्या होता है और मतलब क्या होता है हमारा विषम संख्या ईवन मतलब होता है सम जो दो से डिविजिबल होती है और जो ऑर्ड होता है वो हमारा दो से डिविजिबल नहीं होता है जो इसका जो आंसर आएगा वो इलेवन और एट आएगा दो लॉजिक है ठीक है चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्सटी एट एटी एट वन जीरो टू टू थर्टी टू इनमें से जो अलग होगा वो हमारा क्या होगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये और भाई शेयर करना है लाइक करना है सेशन को ज्यादा से ज्यादा ठीक है यदि मैं बात करूँ सिक्सटी एट की तो ये सत्रह से डिविजिबल है एक सौ दो भी सत्रह से डिविजिबल टर्टी एट भी सत्रह से डिविजिबल है बट तो लेकिन जो एट्टी एट है वो हमारे सत्रह से डिविजिबल नहीं है तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या हमारा 88, आएगा हमारा एट्टी एट बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा एट्टी एट ठीक है करें चलिए एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमें बड़ा करके हटाइए इसको हाँ जी तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लासिफिकेशन के हम सारे टाइप कर चुके हैं चाहे वो वर्ड एनालॉगी हो चाहे वो हमारा लेटर एनालॉगी हो चाहे वो नंबर एनालॉगी हो या तो वो हमारा कोई भी पेयर क्लासिफिकेशन हो सॉरी क्लासीफिकेशन कराए क्लासिफिकेशन हो इन चारों में से वो हम सारा निपटा चुके हैं कर चुके हैं बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन की एक प्रीवियस सेट लीजिए या नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए कि क्या लॉजिक लग सकता है ये क्यों इनमें से अलग है ये जानने की कोशिश कीजिए ठीक है अब मिलेंगे हम आपसे कल की क्लास में और हैप्पी दशहरा टू तो ऑल ऑफ यू वंस अगेन अच्छे से अपने दशहरा को सेलिब्रेट करना फेस्टिव मंथ है और अड्डा ने आपके लिए क्या निकाला है 40% परसेंट ऑफ निकाला और एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली कि आपको वहां पे क्या मिलेगा गारंटीड कोई भी पर, आप परचेस करोगे आपको प्राइजेस मिलेंगे तो आपको जरूर परचेज करना है आईफोन भी मिल सकता है रेडमी भी मिल सकता है सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है कुछ भी मिल सकता है ठीक है लेकिन है कुछ ना कुछ मिलेगा चलिए बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू